रुख करते हैं कमोडिटी मार्केट का। हमारे साथ अमित सजेजा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर मोतीलाल ओसवाल से। अमित, थैंक यू सो मच ईटीना स्वदेश को समय देने के लिए। शुरुआत सबसे पहले सोने चांदी से करते हैं, क्या करें, किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर? जी गुड मॉर्निंग। देखिए कल काफी उठा पटक के बाद हमने देखा कि इवेंचुअली निचले स्तरों से गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही बाइंग एमर्ज होते हुए दिखी है। तो एक मच नीडेड करेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि दोबारा गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस संभल गई हैं और पॉसिबल है कि आज के सत्र में भी हमें एक पुल बैक आता हुआ दिखेगा निचले स्तरों से। मैं समझता हूँ कि गोल्ड में अराउंड 60,100 के आसपास बाइंग फिजिबल होगी और अपसाइड में दोबारा एक बार हमें 60,400 से 500 तक के लक्ष्य देखने मिलेंगे। वहीं अगर मैं सिल्वर की भी बात करूं तो 73,500 से 74,000 का एक सपोर्ट जोन है, तो 74,500 के आसपास बाइंग की जा सकती है और अपसाइड में लगभग 75,800 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट लिया जा सकता है। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर उतार चढ़ाव काफी है लेकिन अभी भी आप खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर। कच्चे तेल में बात करें तो यहाँ पर भारी गिरावट आई है, काफी सारे अपडेट्स आए हैं और अब ब्याज दरों में बढ़त की जो बातें हैं वो अब तेजी से अब बढ़ रही है, तो जिसके चलते हमने वहां पर भी दबाव देखा। बट यहाँ पर इस गिरावट में क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं या फिर और नीचे आ सकता है कच्चा तेल? जी देखिए, सिमिलर टू गोल्ड एंड सिल्वर हमने क्रूड ऑयल में भी कल यही देखा कि पहले एक भारी गिरावट देखने मिली लेकिन इन्वेंट्री डेटा के बाद कहीं ना कहीं निचले स्तरों से दोबारा बाइंग इमर्ज होते हुए दिखी और एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव क्लोज देने में कामयाब हुई है प्राइजेस। आज लगभग 30 से 40 रुपए नीचे ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी 6480 के आसपास की ओपनिंग हो सकती है। मैं 6450 के आसपास एमसीएक्स पर बाइंग की सलाह देना चाहूंगा और जब तक 6400 के ऊपर ओवरऑल प्राइजेस टिकी रहेंगी तब तक एक पुल बैक रैली या शॉर्ट कवरिंग रैली 6600 के ऊपर तक की दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर भी मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 6450 के करीब और अपसाइड में लगभग 6600 से 6620 तक के लक्ष्य लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस गिरावट को प्ले आउट करने की कोशिश कीजिए। सोने चांदी कच्चे तेल तीनों में ही खरीदारी करने की राय आ रही है निचले स्तरों पर, तो एक ट्रेड ले सकते हैं आप तेजी का। और इसके अलावा बेस मेटल्स में मौके कहाँ हैं अमित? जी देखिए, बेस मेटल्स में कॉपर ज्यादा चौपी है लेकिन चीन के जीडीपी डेटा के बाद हमने एल्यूमिनियम में खास करके एक बार्गेन हंटिंग देखी है निचले स्तरों से। काफी बढ़िया रैली हमने देखी है, 206 के लेवल थे लगभग एक हफ्ते पहले ऑन एन एवरेज और आज लगभग 213 से 214 के स्तर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो लगभग 3 से 4% की तेजी हमें एक ही हफ्ते में दिखाई दी है। मुझे लगता है कि ये तेजी और एक्सटेंड होगी, 212 के करीब अगर प्राइजेस मिले तो वहां पर बाइंग का एक अच्छा मौका है और अपसाइड में मेरा मानना है 216 के इनिशियल टारगेट लिए जा सकते हैं और ये रैली 218 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो ये है व्यू कॉपर पर। चलिए, ये कमोडिटी मार्केट में जो भी ट्रेडिंग की रणनीति थी वो हमने आपके सामने रखी। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये तमाम रिकमेंडेशन हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। ठीक है, तो ये है कमोडिटी मार्केट में राय और हर स्पेस में खरीदारी करने की राय इस वक्त निकल कर आ रही है। इसके अलावा